हाय दोस्तों, कैसे हैं? आज एक शेयर लेके आया था रेन इंडस्ट्रीज लिमिटेड। आप लोग ने इसके बारे में बहुत कुछ सुना कि इसका बैन लग गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया था ग्रीन पेट्रोलियम कोक, जिसका जो कि मेन सीपीसी कैल्सनाइट पेट्रोलियम कोक के लिए जो रॉ मटेरियल होता है, इस पर बैन लगा दिया था। इसके कारण इसका जो होता है, इसका जो मेन रेवेन्यू है कुछ 30-35%, मैं आपको आगे जाके दिखा दूंगा, वो वहाँ से आता है। तो जब उस पर बैन लग गया तो उसकी प्रॉफिटेबिलिटी आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये लगभग जो यूज होता है, ये देखिए, कैल्शियम का इंडिया मैन्युफैक्चरिंग में 15%, इंडिया ब्लेंडिंग में 8%, तो 15, 13, 28 और 36% जो है, ये लगभग ये 36% अपनी रेवेन्यू जो लेते हैं ये यहाँ से लेते हैं। तो 36% के रेवेन्यू पे इम्पैक्ट पड़ा था, क्योंकि 26 जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने इसके रॉ मटेरियल के बैन लगा दिया था और उसके बाद गिर गया था। ये आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि बहुत सारे न्यूज में आया कि क्रूड ऑयल को जब ऑयलिंग करते हैं तो वहाँ से एक ग्रीन पेट्रोलियम कोक निकलता है और उसको फिर वो फर्दर ये सीपीसी, ये इंडस्ट्री, चाहे वो उनका रेन इंडस्ट्री हो, चाहे वो हिमाद्री केमिकल हो, चाहे वो गोवा कार्बन हो, ये लोग इसको एज ए रॉ मटेरियल इसको यूज करते हैं और इसका जो फाइनल प्रोडक्ट सीपीसी बनता है वो जाता है एलुमिनियम में। तो चूंकि उसमें गिरावट आई थी और बैन लगा था तो वो इम्पैक्ट हुआ। बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक परमिशन दिया, क्योंकि उस पर एक सल्फर चीज निकलता है, सल्फर नाम का केमिकल निकलता है, जिससे कि इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन होता है। तो बाद में इन लोगों ने एप्लीकेशन किया कि हम यहाँ पे यूज करेंगे, वहाँ पे यूज करेंगे, तो फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको विड्रॉ किया। 1.4 मेट्रिक टन का परमिशन दिया कि आप 1.4 मेट्रिक टन आप मंगा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आपको परमिशन दिया। दी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ऑन 9 अक्टूबर 2018 ग्रांटेड परमिशन टू इम्पोर्ट ग्रीन पेट्रोल जीपीसी, जो कि यूज होगा सीपीसी के लिए, 1.4 मिलियन टन्स को परमिशन दिया। तो अब देखेंगे कि ये जब परमिशन मिला इसको और उससे फायदा भी हुआ इनको, लेकिन ये सब काम होते होते इनका टाइम पीरियड अच्छा खासा चला गया। अब देखेंगे तो इन्होंने खुद लिखा, ड्यू टू बैन ऑन इम्पोर्ट ऑफ जीपीसी फ्रॉम एंड जुलाई टिल अक्टूबर, द कंपनी परफॉर्मेंस ड्यूरिंग सितंबर 18 एंड दिसंबर 18 क्वार्टर वॉज इम्पैक्टेड। बैन हुआ, उसके बाद उससे कार्रवाई हुआ, उसके बाद ये इम्पोर्ट करना, वो प्रोसीजर हुआ, अक्टूबर में इन्होंने परमिशन दिया, फिर इम्पोर्ट किया, तो प्रॉफिटेबिलिटी पूरी तरह से हिट हो गई सितंबर और दिसंबर की भी। मीन्स जो अभी रिजल्ट पब्लिश होगा उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है देखने को तो कंपेयर टू सितंबर से अच्छा दिखेगा, बट अब जो क्वार्टर आएगा, जो मार्च का क्वार्टर आएगा, आप उसमें एक सरप्राइज ग्रोथ देखने को आपको मिल सकता है और उसका क्लैरिफिकेशन खुद रेन इंडस्ट्री ने इस लेटर के थ्रू दिया हुआ है, जो कि सेबी को इन्होंने सबमिट किया था। आप देखेंगे तो ये सेबी को इन्होंने लिखा हुआ है और क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है, जो कि अवेलेबल है इनके साइट्स पे। रेफरेंस है RIL SIS 2018, 3 दिसंबर 2018 को ये लेटर इन्होंने लिखा है। क्लैरिफिकेशन विथ रिगार्ड टू क्यूरीज फ्रॉम इन्वेस्टर, तो इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर थे, ये क्यूरीज कर रहे थे, पहला कि डेप्ट क्यों ज़्यादा है आपका, तो इन्होंने फिर डेप्ट का क्लैरिफिकेशन दिया कि हमारे पास इस तरह से डेट कंसोलिडेटेड टर्म डेट 1000 करोड़ का है, ग्रॉस डेप्ट 1130 करोड़ का है, नेट डेप्ट इतना है, और इसको कैसे पेड करेंगे, बाय 2025 तक ये पूरा डेप्ट का रिपेमेंट कर देंगे। एक्सपेंशन कर रहे हैं, फैक्ट्री लगा रहे हैं, तो इनको चाहिए, और इनका कहाँ का बिजनेस कैसा कैसा है सेप्टेम्बर 18 का आप देखेंगे। द कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑफ द कंपनी इज कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम वेरियस बिजनेस एज फॉलोज, तो ये बिजनेस है क्या, डिस्टिलरी का बिजनेस है, डिस्टिलेशन का बिजनेस 32% है, सीपीसी का आपको बता दिया 36% है, एडवांस मटेरियल यूरोप 25% का है और सीमेंट का 7% का है। और जो आप डिविडेंड पे आउट देखते हैं, ये बिजनेस है सीमेंट बिजनेस, जो इसका भाईजैक में साउथ में है उसे वो पेमेंट करते हैं, तो ये सीमेंट जो साउथ में वन ऑफ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ द सीमेंट इंडस्ट्री, तो ये लार्जेस्ट कोल फॉर डिस्टिलरी इन द वर्ल्ड, तो ये सब है इनके बिजनेस है। मेन है तीन ही है, सीपीसी है और स्पेशल बिजनेस है, आप बिजनेस ओवरव्यू में जाकर के देखें, कार्बन, एडवांस मटेरियल और सीमेंट, ये मेन तीन है। 36% तो कार्बन से ही आ गया और 7% सीमेंट से है, बाकी जो बीच का एडवांस मटेरियल है जिससे CTP कोल तार पिच वगैरह बनाते हैं और भी एडवांस मटेरियल सब बनाते हैं, साउथ में बिजनेस है। आप इसका देखेंगे मेन, ये देख लीजिए, इसका जो है 2.1 मिलियन टन्स एनुअल सीपीसी बनाने के लिए इनको बनाते हैं, इनकी कैपेसिटी है। अब 2.1 मिलियन टन्स के लिए समझिए इनको 40% इनको जीपीसी चाहिए, कंजम्पशन जो पैटर्न होता है जीपीसी, अगर आपको 100 किलो बनाना है तो आपको 40 किलो लगेगा, आपको जीपीसी लगेगा, तो आपको 40% चाहिए, तो 2.1 का 40% 800
800 टन के आसपास, मिलियन टन के आसपास हुआ, और आपको परमिशन कितने का मिल गया, 1.4 मिलियन टन का पूरे इंडस्ट्रीज को मिला, केवल इनको नहीं मिला है, तो वो कंप्लायंस करके करेंगे। तो इनका ये कहना है, जो इन्होंने इस लेटर में भी बताया है, कि हमारे लिए सफिशियंट है। 1.5 मिलियन टन कितना है एनुअल तार डिस्टिलेशन के लिए कैपेसिटी है, सीटीपी जो आपको बताया था, और 0.3 मिलियन टन स्पेशल केमिकल वगैरह बनाते हैं, और सीमेंट में 4 मिलियन टन का इनका बिजनेस है। ये बिजनेस सिंपल सा है, हम इसको कंपेयर नहीं कर रहे, ये आपको सारे न्यूज़ जितने भी है सब जगह आपको देखेंगे। दिसंबर का इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आ चुका है, दिसंबर में प्रमोटर्स का कोई होल्डिंग चेंज नहीं हुआ है, एफआई का थोड़ा सा होल्डिंग रिड्यूस हुआ है, और म्यूचुअल फंड ने भी अपने रिड्यूस किया है, अदर डीआई ने बाइंग किया है। अगर मैं वहीं पे आपको एक आपको मैं शेयर होल्डिंग परसेंटेज भी दिखा दूं, तो जो बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं वो भी देखिएगा, आपको अच्छा इसलिए लगेगा, आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, बड़े बड़े इन्वेस्टर भी हैं जो इसमें अपनी पोजीशन को बना के रखे हुए हैं, और उनको अभी प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। तो आप देखिए टॉप पब्लिक शेयर होल्डर में देखिएगा तो बड़ी कॉर्पोरेट 8.8% है, डॉली खन्ना फेमस नाम है 2.81% के साथ है, पवराई इन्वेस्टमेंट फंड 4.38 के साथ, और ये आप देखिए डॉली खन्ना ने वापस बाई किया है, इनका 75-80 लाख का था कुछ, अब इन्होंने 94,43,000 बढ़ाया है, तो डॉली खन्ना ने वापस इसके पोजीशन को बढ़ाया है। एनआरआई 3.92%, दी प्रोवाइड इन्वेस्टमेंट फंड वापस 1.6%, तो आप देखेंगे ईपीएफ ट्रस्ट आईईएफएफ क्लियरिंग मेंबर्स मेघमालम इंटरप्राइज मेघवामाला इंटरप्राइज प्राइवेट लिमिटेड 5.17%, तो ये इनके टोटल शेयर होल्डिंग परसेंटेज सेप्टेम्बर में थे। और अभी भी देखेंगे तो थोड़ा सा इसमें जो प्राइस देखेंगे तो थोड़ा फॉल देखने को आपको मिल रहा है, और लास्ट क्लोजिंग डेट जो था 4 तारीख का आप देखेंगे, 4 को देखेंगे तो 127 ये लो पे आया, 126 का लो बनाया और वहीं पे क्लोज दिया है, बट आप इससे डरिएगा नहीं, 117 मुझे नहीं लगता ये तोड़ेगा, जो ये लो बनाया था 117 को अब ये तोड़ेगा नहीं, ये डरा रहा है, और लो जाता है तो आपको इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब क्योंकि दिसंबर का रिजल्ट हो सकता है खराब आए, अच्छी बात है, ये नीचे जाए तो आप बाय कीजिए, उसका एक कारण भी है, एक बार रेन इंडस्ट्री को पोर्टफोलियो को खाली देख ले तो रेन इंडस्ट्री लिमिटेड इज एन इंडिया बेस्ड कंपनी विच इज एंगेज इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल ऑफ कार्बन प्रोडक्ट केमिकल एंड सीमेंट। अब इस पे सेल्स ग्रोथ थोड़ा सा निगेटिव दिखा रहा है, वो जीपीसी का जो इम्पैक्ट पड़ा उसके चलते जो बंद रहा वहाँ पे आपको दिखा रहा है, ऐसा है, अगर ये सुधर गया तो और अच्छा हो जाएगा। रिटर्न ऑन इक्विटी 24%, रिटर्न ऑन कैपिटल इम्प्लॉयड 17%, अच्छा चीज़ क्या है, प्राइस टू बुक वैल्यू 1x मिल रहा है, इसका बुक वैल्यू 136 का है, आपको 127 में मिल रहा है, तो प्राइस टू बुक वैल्यू आपको बहुत सस्ता मिल रहा है। प्राइस टू कैश फ्लो भी देखें तो वर्किंग कैपिटल जनरेशन इसका जो होता है 2,000-4,000 करोड़ होता है, आप देखिए ऑपरेटिंग फ्रॉम क्या आ रहा है 2,200 करोड़ का आ रहा है, तो उसके सामने जो इसकी प्राइस वैल्यू है सिंपल है आपको 4,200 करोड़ का है, तो आपको समझ से 4.92x सिर्फ प्राइस टू कैश वैल्यू मिल रहा है, और हर समय 899-4,000 करोड़ 363 करोड़ का कैश मेंटेन अच्छा कर रहे हैं। अगर इसी की कंपेरेटिव कंपनी में आपको दिखाऊं तो आपके दो कंपनी इसी की कंपेरेटिव में आपको दिखाऊं तो मैं गोवा कार्बन है और एक हिमाद्री केमिकल है। गोवा कार्बन क्या करती है, मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल ऑफ कैल्शियम सीपीसी के बिजनेस करती है। सेल्स ग्रोथ 45% है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू देखिए 4.22x, इसका 131 का है तो 556 पे आपको मिल रहा है, तो ये आपको मिल रहा है 4.22% में। मैं इसका कुछ भी खराब मुझे नहीं देखता है एक्सेप्ट ये प्राइस टू बुक वैल्यू, डेप्ट है नहीं इसके पास, जबकि आप यहाँ पर रेन इंडस्ट्री में देखेंगे तो आपको 7,000 करोड़ का डेप्ट मिलेगा, लेकिन एक्सपेंशन हो रहा है इसके लिए डेप्ट है, और यहाँ पर डेप्ट कवरेज रेशियो 4.23x है। गोवा कार्बन में आपके पास डेप्ट नहीं है, डेप्ट फ्री है कंपनी, 8.94 करोड़ का सिर्फ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट 73 करोड़ का है, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है 2,532 करोड़ रेन इंडस्ट्री में, यही अंतर है। आप समझिए गोवा कार्बन में और इसमें और हिमाद्री केमिकल में आप कंपेयर करेंगे तो हिमाद्री केमिकल भी अच्छा लगता है, ये 130 है, लेकिन प्राइस टू बुक वैल्यू 3.5x है, 12% का ग्रोथ है, डेप्ट इसके पास 650 करोड़ का है, ये भी कवरेज रेशियो अच्छा है, प्राइस टू कैश फ्लो देखिए हाईएस्ट हाई है, मैंने इसके कैश फ्लो जो जनरेट हो रहा है उसके सामने जो इसकी प्राइस है वो 22x है, तो अल्टीमेटली जब मैं प्राइस टू कैश फ्लो के व्यू से देखूं तो हिमाद्री केमिकल जो है 22x मांग रही है, गोवा कार्बन 19x मांग रहा है, और 4.9x आपको रेन इंडस्ट्री मांग रहा है,
निगेटिव क्या है इसका, सेल्स ग्रोथ 1.676, जो कि हो जाएगा क्योंकि इसका यहाँ पे जीपीसी का जो प्रॉब्लम आया था इसमें यहाँ पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इसको आया था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट तीनों में देखें तो 2532 करोड़ का है इसका रेन इंडस्ट्री का, 73 करोड़ का सिर्फ गोवा कार्बन का है और हिमाद्री कार्बन का 513 करोड़। तो किसी भी कारण से अगर इसमें रैंकिंग की बात करूं तो पहला रेन है, दूसरा हिमाद्री है, तीसरा गोवा कार्बन है। अभी हिमाद्री में कुछ ऐसा भी था कि इंटरनल ट्रेडिंग हुआ था, क्या हुआ था अगर वैसा कोई इशू है, पेपर गलत है, व्यू गलत है तो अलग बात है, अदरवाइज हिमाद्री केमिकल सेकंड रैंकिंग पे, गोवा थर्ड रैंकिंग में। चलिए अगर इसको एक बार चार्ट पे भी देख लें तो वीकली देखेंगे तो लास्ट ये मंथली, ये मंथली पैटर्न है और मंथली पैटर्न में ये देख रहे हैं कंटिन्यूस एक फॉल 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 बना रहा है, या इंडिसेसी बनाया है और यहाँ पे एक इंडिसेसी बना के 127.05 पे 4 तारीख को क्लोजिंग दिया है। हो सकता है ये आपको एक लो एक बार दिखा दे आपको 117 का जो लो था, लेकिन किसी भी तरह से मुझे नहीं लग रहा है कि लो जो दिखाएगा, इंडिसेसिव कैंडल तो बना है, इंडिसेसिव पूरे महीने के बनने के बाद यहाँ पे इस महीने दिसंबर का जो था और अभी जनवरी का चल रहा है, तो अगर डेली बेसिस पे देखें जनवरी के अगर डेली बेसिस पे देखें यहाँ पे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक फॉल एक फॉल एक फॉल ही कंटिन्यू दे रहा है, तो हो सकता है ये एक बार 117 के लो को जो है टेस्ट करने की कोशिश करेगा। हमें उसे कोई मतलब नहीं, हमें इसमें बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए क्योंकि जब रिजल्ट आएगा तो आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। और उसका एक दूसरा कारण आपको बता देता हूँ, उसका क्या एक कारण मैं क्यों बता रहा हूँ इसको, देखिए 100% बाइंग है और सबसे अच्छी बात बताता हूँ जो मुझे अच्छा लगता है वो है डिलीवरी परसेंट। ये देखिए 62%, 60%, 70%, 62%। अगर ये डिलीवरी परसेंटेज है इसका मतलब ये इंटरनल यूज कुछ है और लोग बाइंग कर रहे हैं। FI ने जरूर दिसंबर में अपनी पोजीशन को कम की है, लेकिन जब आपको 1.06 की वैल्यू के बुक वैल्यू के मिल रहा हो, आपको 4276 करोड़ की कंपनी हो, पी आपका सिर्फ 4.16 है, इंडस्ट्री पी 35 का है, तो मुझे एक अच्छी कंपनी दिख रही है। और हो सकता है रेन इंडस्ट्री आपको जनवरी तक आपको इस लेवल तक 199-200 का लेवल आपको दिखाते हैं, सॉरी मार्च तक, मार्च के एंड का रिजल्ट आने दीजिए, मार्च एंड का रिजल्ट आते ही आपको 200 आ जाएगा, मतलब आप मार्च रिजल्ट 15 अप्रैल तक आ जाता है, मतलब 3-4 महीने का व्यू भी आप अगर रखते हैं यहाँ से तो आपको आराम से 200-250 का भाव दिखा सकता है। और अगर मैं इसको एक बार आपको इसको मैं अगर प्राइस पैटर्न पे ये देखूं, एक मिनट जरा सा, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की वैल्यू को देखूं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट अगर मैं यहाँ से देखूं इसको, तो आपको 255 का रेट कोई नहीं आपको रोक सकता, 255 का रेट आपको बहुत जल्दी दिख जाएगा। तो मेरे अंदाज से आपको इसमें बाइंग करनी चाहिए और बाइंग करेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे SIP टाइप का कर लीजिए आप, अगर 20% करके कीजिए, 10 नहीं कीजिए क्योंकि ऑलरेडी फॉल है, मुझे नहीं लगता 117 का रेट तोड़ेगा और तोड़ेगा भी तो 100 का रेट पे आपको सपोर्ट मिल जाएगा, बहुत ज़्यादा ये नीचे नहीं जाएगा। तो ये लग रहा है कि 250-252 का रेट आपको देखने को मिलेगा, अच्छा खासा फॉल ये दिखाया है अपने 52 वीक हाई से, इसका अगर 52 वीक हाई देखेंगे तो इसका 472-473 रुपया है, 475 रुपया है और लो 117 का है, तो मुझे मेरे अंदाज से अब 117 का लो ये नहीं तोड़ेगा। ऑलरेडी यहाँ पे आप बहुत सारे क्लैरिफिकेशन और क्लैरिटी आ चुकी है, तो रेन इंडस्ट्री में आपको पोजीशन बाय करना चाहिए विद 250 का टारगेट, आप पहला ले सकते हैं 6 महीने के अंदर, तो 6 महीने के टारगेट से 250 के रेट से आप इसमें बाइंग पोजीशन पे बाय बना सकते हैं। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से वीडियो है, कोई भी पोजीशन बनाने के पहले आप फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बात कर लेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत